अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मार्केट अपडेट, मार्केट आज उठी है जो कि बड़ा ही अच्छा एक पंप नज़र में आया है। मतलब 32,000 को भी क्रॉस किया है उसने और वापस 31 के पास आसपास घूम रही है। अच्छा, तो ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि जैसे कि टाइटल है मेरा, मैंने मीम कॉइंस के बारे में कुछ अपडेट देनी थी कि व्हाट माय स्ट्रेटजी इज़। मैंने कैलकुलेशंस कुछ की थी। सबसे पहले तो मैं नाम बता दूं आपको। सबसे नंबर वन पे बेबी डॉज, जिसके ऊपर मैं बहुत बुलिश हूं। और बेबी डॉज की क्यों मैं बुलिश हूं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मीम कॉइन्स हमेशा उठते ही फ़ैन फॉलोइंग के ऊपर यूज़र बेस्ड कॉइन्स होते हैं। ये जितना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होगा उतना ज़्यादा इनमें वॉल्यूम जनरेट होगा, क्योंकि इनके अंदर व्हेल्स बैठी होती हैं। इसके अंदर 200-300-400 बिटकॉइन ले के लोग वॉल्यूम बैठे होते हैं और बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियंस की ट्रेड्स होती हैं इसके अंदर। तो एक्सचेंजेस क्या करती हैं, अब हमें क्या उम्मीद होती है कि बाइनेंस ऐसे शिट कॉइन को लिस्ट कर दे तो हमारा भी कुछ हका लग जाए, जैसे शिबा को किया, डॉज को किया। अब हमेशा हमने ये चीज़ मिस की है, डॉज को नहीं लिया जी, शिट कॉइन नहीं बाय करना। तो मैं इस बार कोई चीज़ मिस ही नहीं करना चाहता, तो मैंने इसलिए बेबी डॉज के अंदर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर दी। तो मैक्सिमम मेरा जो होगा प्लान, मैं उसके अंदर $400-500 तक जाऊँगा और उसको होल्ड करके रखूंगा। बट इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, वो डूब भी सकते हैं। आप अपनी रिसर्च करके डालना उसके अंदर जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करने का या 2 साल होल्ड करने का, क्योंकि वो शिट कॉइन है, कभी उठे ना उठे, हो सकता है फ्लॉप ही हो जाए। लेकिन फ्लॉप होने के चांसेस मुझे इतने नहीं लगते, क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप शिबा के साथ उसका ट्विटर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं, बहुत इनकी वो लाइक जिस तरह शिब आर्मी है इस तरह बेबी डॉज आर्मी है, बहुत कम्युनिटियाँ बनी हुई हैं। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वो शेल करते हैं अपने कॉइन को, तो मुझे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है, ले के रखना चाहिए। 200-400-300 से फर्क इतना नहीं पड़ेगा, ले के आप छोड़ दें। नंबर वन बेबी डॉज, नंबर टू FEG, फीड एवरी गोरिल्ला। ये गेट आयो पे आपको मिल जाएंगे सारे। फीड एवरी गोरिल्ला जो है वो भी, उनका भी कोई रेडियो स्टेशन भी है अपना और उनका काफी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बड़ा चलता है और ट्विटर के ऊपर अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। बेबी डॉज तो टॉप ट्रेंडिंग में इतनी बार आया, तो बेस्ट कॉइन है शिट कॉइंस के अंदर बेबी डॉज। कम से कम 3-0 कम कर सकता है यहां से, और FEG इसके अंदर 9-0 है, ये भी कम से कम 3-0 काम कर सकता है। 3-4-0 का मैंने अपना मार्जिन टारगेट रखा हुआ, जैसे ही हुआ मैं बेचना शुरू कर दूंगा FEG। उसके बाद किशू है, किशू इनू, वो कम इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, बट ओके, उसमें भी आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं कि मिस आउट ना हो जाए। तो मतलब $1,500 का ना आपका सिर्फ शिट कॉइंस का पोर्टफोलियो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने का बनाना चाहते हैं। आप 200 का बनाएं, 500 का बनाएं, जितना आपकी मर्जी है, जो आप डुबो सकते हैं पैसा, जो आप फंसा सकते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गए कॉइन्स कुछ आपके, बेबी डॉज, FEG, किशू, सैतामा और कौन से, हाँ लूना को भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसके 4-0 हो जाते हैं तो लूना को भी आप 50-100 का लेके छोड़ दें, वो भी पंप एंड डंप ही है। तो ये एक अपडेट थी मार्केट की। अब मार्केट आज ग्रीन है, आज कोई बाइंग ना करें, निकल गई है, अभी आप ग्रीन में मत खरीदें। देखते हैं कि ये रीटेस्ट करती है जुमे रात को या नहीं। जुमे को देखें, अगर तो डिप आती है तो उस डिप के अंदर अगर 30,000 भी मिलता तो जो भी कॉइन्स आप बाय करें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अब अपसाइड भी है। अपनी जो भी करेक्शन थी एज पर द हिस्ट्री, वो अपना जो भी बियर साइकिल था तकरीबन उसको उतने दिन वो पूरे कर चुकी है। अब मेरे ख्याल से मार्केट का ट्रेंड अपसाइड की तरफ ही होना चाहिए और ऊपर ही जाना चाहिए। मे भी थोड़ा बहुत शेक डाउन आए, 30,000 को वापस टच करे और फिर उसके बाद वापस ऊपर। तो कभी भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती, मार्केट ए बी, पहले ए बनेगी, फिर बी बनेगी, फिर सी, इस तरह ऊपर जाती है। तो मतलब बी वेव नीचे भी होती है और ये जब हो जाए तो उसके बाद फिर ए बी सी नीचे भी आता है, ए बी सी, सी बी से भी नीचे होगा, मतलब ए से भी नीचे होगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। चार्ट पैटर्न्स में आप आहिस्ता आहिस्ता एक सीरीज शुरू करूँगी, उसमें थोड़े बहुत चार्ट पैटर्न्स बताऊँगा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो न्यू हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको पता है और वो बेशक ना देखें, उनका उनको ज़ाहिर है उनके पास नॉलेज है तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है, जो न्यूबीज़ हैं और वो करना चाह रहे हैं बट उनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि वो कर पाएँ, वो बाय कर पाएँ, तो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हर बंदा क्रिप्टो में ज़रूर घुसे, ये फ़ायदा देगा आप सबको। मतलब आप अगर कमा रहे हैं 30,000 तो 5,000 कम अज़ कम आप इसके अंदर डालें, तो ये कि आपको इन फ्यूचर बेनिफिट ही होगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप फिर अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।